उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को भारी बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। तेज बारिश से तड़के जलमग्न हो गई विधानसभा परिसर में पानी घुस गया। तेज बारिश की वजह से नगर निगम की छत भी लीक होने लगी। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी गेट नंबर 7 की बजाय गेट नंबर 1 से बाहर निकाला गया। विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में विधायकों को सदन तक पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के मौसम में बद इंतजामी से कई विधायक नाराज नजर आए। इधर सीएम हाउस के बाहर भी पानी भरा हुआ है। सपा नेता शिवपाल यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि बजट की पहले की सबसे अधिक आवश्यकता उत्तर प्रदेश विधानसभा को है। एक मूसलाधार बारिश में यह हाल है तो बाकी प्रदेश भगवान के भरोसे होगा। दोपहर लगभग 12 बजे से हो रही तेज बारिश की वजह से हजरतगंज, ठाकुरगंज, ऐशबाग इलाकों में सड़क पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। गाड़ियों की रफ्तार बेहद कम हो गई है, सड़कें लबालब हैं और घरों में पानी घुस गया है। नगर निगम दफ्तर भी पानी में डूबा हुआ है। और उल्लेखनीय है कि मौसम विभाग ने लखनऊ समेत आसपास के जिलों में अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है।